हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने भोपाल वाला व्लॉग किया था डालने का कि गोइंग फॉर वैकेशन, उसमें सब ने मुझसे बोला आप व्लॉग करो व्लॉग करो व्लॉग करो। एक्चुअली मैं जब यहाँ, एक तो मुझे इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग की आदत नहीं है और मैं भूल जाती हूँ व्लॉग करना। लिटरली मैं भोपाल आई हूँ तो मुझे आराम से 6-7 डेज हो गए हैं। अगर मैं पूरे 7 डेज व्लॉग करती तो आराम से बहुत सारे व्लॉग्स हो जाते हैं, बट मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ व्लॉग करना। बट क्योंकि उसमें इतने सारे कल मेरे पास इंस्टाग्राम मैसेजेस में पढ़ रही थी, सब ने मुझसे बोला व्लॉग करिए वहाँ का व्लॉग करिए, तो आई थॉट कि मैं व्लॉग करती हूँ। एक्चुअली यहाँ आते हैं ना तो मम्मी के घर आती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ। वाई? बिकॉज एक तो मैं आराम करने आती हूँ, फुल ऑन आराम होता है इधर पे, एंड सारे फ्रेंड्स वगैरह इतने सारे हैं तो उनसे मिलना होता है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कल हम जा रहे हैं, मार्केट जाना है, जो पूरे पेंडिंग काम होते हैं वो करना होता है। तो उन सब चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि व्लॉग करना मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ। तो आज मैंने व्लॉग करना इसलिए सोचा बिकॉज मी एंड विक्की आर गोइंग टू मैरिड अगेन। यस, बिकॉज हुआ ये था कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना था, हमारी कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी। फॉर द रीज़न इज़ कि हम लोगों को जस्ट शादी के 2 दिन बाद, जैसे 23 नवंबर को हमारी शादी थी और 25 को हमको वापस मुंबई निकलना था और 26 की हमारी फ़्लाइट थी टू बाली। तो ऐसा था, तो इतना ज़्यादा पैकिंग वैकिंग और इन सब चीज़ों में लगे हुए थे कि वो सब भूल ही गए थे मैरिज सर्टिफिकेट बनाना। फिर जब भी हम लोग आते थे तो हमारे ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग काम कि बैंक का ये करवाना, तो आधार कार्ड का ढिमका फलाना, एंड मतलब मैं इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं ना इंडिया में कि आप परेशान हो जाते हो लिटरली। तो उन सब चीज़ों में लगे रहते थे तो टाइम ही नहीं मिल पाया मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का। बट दिस टाइम विक्की थोड़ा लंबी छुट्टी लेकर के आए हैं, मतलब एटलीस्ट 4 to 5 डेज हैं वो भी यहाँ पर, और मैं भी आई हूँ और हम लोग फ्री हैं, कोई फेस्टिवल नहीं। अगर किसी फेस्टिवल में हम लोग ओकेशनली आते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाते क्योंकि सब बिजी रहते हैं। तो अभी हम लोग फ्री हैं तो दैट्स वाई अप्लाई किया है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आज जाना है, सो वी आर ऑफिशियली गेटिंग मैरिड। सो राइट नाउ आई एम इन माई रूम एंड मैं अपने रूम का टूर भी नहीं दे सकती हूँ बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली मेस। आप सामने मिरर पे देख पा रहे होगे कि मेरा जो स्टडी टेबल है उसमें पूरा मेकअप का सामान है, उसके साइड में मेरा बैग रखा हुआ है एंड मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज मैं जब आती हूँ तो पूरे कमरे को मचा देती हूँ लिटरली। मेरी मम्मी मेरे रूम को बिल्कुल वैसा रखती है जैसा मेरा पहले रहता था, उसमें से कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होता है बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बहुत यू नो बीइंग अ सिंगल चाइल्ड आई एम अ काइंड ऑफ अ गर्ल जो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी लवर है, मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे मेरा एक कमरा होना चाहिए जिसमें कोई और नहीं आना चाहिए, मेरा सामान जो है वो वहीं की वहीं होना चाहिए, कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरा सामान को हाथ ना लगाए। और क्योंकि मैं अकेली रही हूँ ना शुरू से, तो मेरे को ये शेयरिंग वेयरिंग, मतलब आप मुझसे खाना शेयर करवा लो, आप मुझसे चीज़ें शेयर करा लो, बट मेरे को मेरी चीज़ें शेयर करने में ना, मैं बहुत हर किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, मतलब मुझे बहुत ही क्या बोलना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए वो, मतलब वो नहीं आ पाता है मेरे अंदर क्योंकि मैंने शुरू से कभी कुछ शेयर किया ही नहीं है। स्कूल में कोई फंक्शन है और किसी फंक्शन में कोई ड्रेस लगा हुआ है तो हम लोगों ने ये तो कभी हुआ ही नहीं कि मैं किसी से मांगने गई हूँ कि यार मेरे को ग्रीन कलर का साड़ी चाहिए। था हमारे इंडिपेंडेंस डे में कोई फंक्शन था तो उसमें मुझे ग्रीन साड़ी पहनना था, मेरी मम्मी के पास ग्रीन साड़ी नहीं थी जो टिपिकल कलर की चाहिए थी, तो मेरे पापा मुझे मार्केट ले गए स्पेशली और मुझे नई साड़ी दिलवा के लेके आ गए प्लेन ग्रीन कलर की। बट ये नहीं हुआ कि हम लोग किसी से मांग के जा कर के ले आए। तो शुरू से मेरी वो आदत हो चुकी है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं या तो मेरा पहनूंगी और या मैं खरीद के लेके आकर के ले आऊँगी, बट किसी से मैं मांगती नहीं, कभी नहीं मांगती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है आप या तो वो पहनो और नहीं तो फिर आप परचेस कर लो अगर आप होता है तो, मतलब ये तो फेक शो ऑफ है ना कि ये बोलो कि वो शुरू से अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है या मैं अकेली रही हूँ तो मुझे वो हैबिट ही नहीं है ये सब करने की। तो यस, मैंने बहुत ज़्यादा बकर कर ली है, अभी हम लोग रेडी होते हैं तो मैं ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करने वाली हूँ, मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है। अब जैसे ही पिंपल मार्क्स हैं ये अभी तक गए नहीं है तो मैं सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी इस एरियाज में एंड लेट्स गो। दिस सूट फ्रॉम बीबा एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल, ये इसका प्लाजो है एंड ये इसका दुपट्टा है एंड ये बहुत ही सुंदर है। जब शादी के टाइम पे आई गॉट एटलीस्ट 5 to 6 सूट्स फ्रॉम बीबा ओनली और इतने सुंदर सुंदर और इतने हैवी नहीं रहते इनके सूट्स, बहुत क्लासी रहते हैं, मुझे बड़े पसंद आते हैं। सिंपल है बट ठीक है, मुझे पसंद आता है ये वाले सूट्स इस तरह के। ओके, तो मैंने जो है अपना सूट पहन लिया है एंड अभी आई एम नॉट गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग ऑन माई फेस बिकॉज गर्मी में जाना है, एवरी थिंग गोना मेल्ट। सो मैं सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी बिकॉज आई हैव सी अभी पिंपल मार्क्स मुझे अभी भी हैं प्रेजेंट। तो
कैन सी माई फेस इज़ वेरी वेरी शाइनी क्योंकि ऑयल मुझे बहुत ज़्यादा आता है, ऑयली स्किन है. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ कॉम्पैक्ट पाउडर टू मैटिफाइंग ऑल माई फेस. कॉम्पैक्ट आई एम यूजिंग दिस लॉरियल मैट मजीक पाउडर. सो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो मैं अपना फेस जो है जॉनसन्स बेबी पाउडर के साथ बेक करूँगी. बेक करने से क्या होता है, आपके फेस में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आता है. तो जब तक मेरा फेस हो रहा है मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ. मैं बस लिपस्टिक रह गई है मेरी और कुछ मैं करने नहीं वाली हूँ और अपने बालों को छोटी बनाऊंगी. दैट्स इट और आई एम रेडी. सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी दीज बिंदी इंडियन टिपिकल इंडियन अटायर. एंड मैं शायद से कार में ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी, मैं सिर्फ वीडियो शूट्स करूंगी एंड देन वॉइस ओवर करूंगी. बिकॉज मैं जिनके साथ जाने वाली हूँ दे आर माई फादर इन लॉ एंड जिन पंडित ने हमारी शादी करवाई थी, तो मैं वो भी रहेंगे कार में. सो ऑब्वियसली ब्लॉग करना इज़ नॉट कम्फर्टेबल, मैं इतनी कम्फर्टेबल नहीं हो पाऊँगी. एंड उन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ व्लॉगिंग व्लॉगिंग एंड ऑल दैट, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा. सो आई विल नॉट गोइंग टू डू ब्लॉग इन फ्रंट ऑफ देम. लेकिन देखते हैं क्या होता है, अगर मैं कंप्लीट कर पाती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं आकर के आपको स्टोरी बता दूंगी एंड पिक्चर्स डाल दूंगी. सो स्टे ट्यून्ड. एंड मैं पिछले आधे घंटे से इस तरह से तैयार होकर बैठी हुई हूँ. विक्की जी अभी तक आए नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है. सो माई वेटिंग प्रोसेस इज स्टिल ऑन एंड आई एम वेटिंग सिंस 45 मिनट्स एंड उसने बोला अभी वो 5 मिनट में आ रहा है. सो लेट्स सी. सो जैसे कि मैंने बताया था मैं वहाँ पर ब्लॉग नहीं कर पाई, छोटे मोटे क्लिप्स लिए हैं क्योंकि सारे लोग इतने बिजी थे और सरकारी काम आप समझते हो बहुत जल्दी 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 में होते हैं. तो हाँ बहुत लेट होता है, मतलब ऐसा था कि नहीं कर पाई मैं ब्लॉग. और क्या, और नाउ आई एम ऑफिशियली मैरिड. हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग गुड और फीलिंग बैड? तो बस अभी मैं अपने घर जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी, और ये हमारी भोपाल वाली कार है तो जो विक्की लेकर के आए हैं मुंबई से वो रखी हुई है. उसने अभी एक्चुअली वो इसलिए भी लेकर के आया है क्योंकि मुंबई में द चार्जेस आर वेरी हाई सीट कवर वगैरह चेंज वेंज करवाने के, तो वो सब हम लोग यहाँ पे सब पहचान वाले लोग हैं और अच्छा करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, तो इसलिए जो कार है वो इधर आई है. तो उसके सब जो भी काम है मैट वैट्स एंड सीट कवर वगैरह सब चेंज करवाना है. सो यस दैट्स इट. और अभी मैं जा रही हूँ वापस अपने घर एंड ये था मेरा बेसिक कार. हर एट जैनुमा रिट्रीट और देखते हैं हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं या जो भी है. तो
गाइस वेलकम बैक। तो बेसिकली अभी मैं बैठी हुई हूँ भर गर्मी में एमपी नगर के चौराहों पे स्क्वायर्स पे, बिकॉज एक्चुअली गाड़ी के सीट कवर्स हम लोगों को चेंज करवाने थे, लगे ही नहीं थे, चेंज क्या करवाने थे, लगे ही नहीं थे, एंड मैटिंग वैटिंग एंड दुनिया जहान की चीज़ें करवानी थी गाड़ी में। तो विक्की को मैंने बोला आप अकेले चले जाओ, बट वो मुझे ज़बरदस्ती लेके आया कि नहीं नहीं चलो। एंड फॉर द रीज़न मैंने पूछा यार इतना क्यों, बट बिकॉज मैं बार्गेनिंग एक्सपर्ट हूँ, बार्गेनिंग करवाती हूँ, विक्की बार्गेनिंग नहीं कर पाता है, मैं थोड़े कम हम अंकल जी आंटी जी आंटी जी प्लीज़ कम कर लीजिए वाला चलता है मेरा, तो मैं भयंकर कम करवा लेती हूँ। तो यस, इसलिए मैं आई हूँ और यहाँ पर बैठी हुई हूँ और वही काम चल रहा है अभी, मैट वैट एंड एवरीथिंग कार में। सो यस,